तो स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल पे 3 या 4 महीने बाद। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे परिवार ने अभी नई गाड़ी कौन सी ली है, क्योंकि इंस्टा पे तो मैंने डाल दिया था, फिर लोग कह रहे थे वीडियो भी बना के दिखाई दो। तो मैंने कहा चलो यार, दूसरे चैनल पे अपनी लाइफ शेयर करता हूँ तो वीडियो भी बना ही देता हूँ। तो वैसे देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये है अपनी 2021 वाली जीप कंपास। तो अभी यहाँ खड़ी थी गाड़ी, तो लाइट की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी कि इस तरफ थोड़ा लाइटिंग सही हो जाएगा। बाहर कर नहीं सकता क्योंकि बाहर भाई बहुत ज़्यादा धूप है, मेरे को परेशानी होगी फिर वीडियो बनाने में। तो भाई लोग कह रहे हैं एक बार दिखाई दो भाई कौन सी गाड़ी खरीदी है। खैर इंस्टा पर मैंने डाल तो दी थी कि कंपस है, तो मेरे को भी इतना पता नहीं भाई इसके फीचर्स वगैरह के बारे में। अभी लिए है तो जितने मेरे को फीचर्स पता चले, 1 हफ्ता हो चुका शायद खरीदे हुए, तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और चलो मॉडल बता देता हूँ पहले कौन सा है। ये है लिमिटेड 80th एनिवर्सरी, जिसकी मतलब एक बैज है यहाँ पे जो कि सिर्फ इसी वाले मॉडल में आ रहा है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा भाई इसका क्या मतलब है। तो जीप कंपनी को ना 80 साल हो चुके हैं गाड़ियाँ बनाते हुए, तो ये 80th एनिवर्सरी पे अपनी इन्होंने ये वाला मॉडल निकाला जीप कंपस का। तो जो 2021 में जो नई गाड़ी आई है जीप कंपस की, उसमें इन्होंने 5 मॉडल लॉन्च करे हैं। सबसे बेस मॉडल है स्पोर्ट, फिर आता है लॉन्गिट्यूड, फिर आता है लिमिटेड, फिर आता है लिमिटेड 80th एनिवर्सरी, फिर आता है एस मॉडल। एस है सबसे टॉप, फिर उसके नीचे लिमिटेड, और लिमिटेड 80th एनिवर्सरी में सारे फीचर्स सेम है, बस कॉस्मेटिक्स का फ़र्क है, मतलब थोड़ा बम्पर चेंज है, थोड़ा इंटीरियर चेंज है। तो लिमिटेड 80th एनिवर्सरी लिमिटेड से थोड़ा महंगा है, 60-70 हज़ार रुपये महंगा है। तो अभी मैं आपको पूरी बाहर से मैं बता देता हूँ लिमिटेड और लिमिटेड 80th एनिवर्सरी में क्या डिफरेंस है। पूरी गाड़ी पे एक तो इन्होंने कहीं पे भी क्रोम यूज़ नहीं किया, जो कि आजकल सारे मैन्युफैक्चरर क्रोम क्रोम बाहर से भी लोग क्रोम लगवा के आते हैं, तो इन्होंने पूरी गाड़ी से ही क्रोम हटा दिया। भाई क्या करोगे आप क्रोम का। जीप की ग्रिल सिर्फ 80th एनिवर्सरी पे ऐसी ग्रे कलर की आती है, मैट फिनिश में है ये, और यहाँ पे भी इन्होंने क्रोम हटा दिया। जीप का लोगो भी 80th एनिवर्सरी में, ये आपको मैं थोड़ा दिखाऊं तो ये ग्रे कलर में है जो ये कलर है, और यहाँ से भी इन्होंने जीप का लोगो भी सारे मॉडल्स में क्रोम का आ रहा है, पर इस वाले 80th एनिवर्सरी में ये भी हटा दिया, ठीक है। फिर 80th एनिवर्सरी में ये आ रहा है मैट, ये ग्रे फिनिश में ये वाला भी। फिर आ रहे हैं आपके ये 18 इंच के टायर्स, फॉर्चुनर जितने टायर हैं भाई 18 इंच के, और ये भी आ रहे ग्रे मैट फिनिश में। इसका साइज़ है कुछ 225/55R18, ठीक है। ये होती है मतलब 225 होती है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 55 मतलब इसका ये कितना है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, और R18 मतलब रिम का साइज़ होता है, ठीक है। अभी कंपस की जो पूरी बैजिंग है, ये नॉर्मल वेरियंट्स में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी क्रोम में, पर इसमें आपको मिल रहा है ये भी सारा ग्रे कलर में, और ये 80th आपको शायद दिख जाएगा लिखा हुआ। फिर आते हैं भाई पीछे, पीछे आपको सिर्फ लिमिटेड की बैजिंग मिलेगी, क्योंकि मॉडल ये लिमिटेड पे ही बेस्ड है, और अगले साल से आना भी बंद हो जाएगा मेरे हिसाब से तो मॉडल, क्योंकि अगले साल 81st एनिवर्सरी हो जाएगी, तो मॉडल क्यों ही बेची कंपनी। तो मॉडल तो वैसे लिमिटेड पे ही बेस्ड है, पर बस 80th एनिवर्सरी पे ये अलग कर दिया। ये भी देखो ग्रे कलर में है, और लिमिटेड 80th में क्या फ़र्क है, आपके पूरे बम्पर ही बॉडी कलर बम्पर आते हैं सफ़ेद कलर के, जो कि मॉडल एस में भी यही आते हैं। तो बाहर से देख के अगर ये कोई ना देखे तो बता नहीं सकता मॉडल एस है या फिर लिमिटेड है, और लिमिटेड जो आता है वर्जन उसमें ब्लैक कलर के आते हैं। इस तरफ से भी आप देखोगे तो सारा मतलब ये जितना भी है टायर के ऊपर से व्हील क्लैडिंग वगैरह, ये सारी मतलब इस वेरिएंट में बॉडी कलर दे दिया है, इसलिए ही हमने ये वाला वेरिएंट चूज किया था लिमिटेड के ऊपर पूरे में। मतलब नीचे भी यहाँ पे भी ये वाला भी बॉडी ब्लैक आता है इससे, अगर कोई भी मॉडल नीचे लोगे आप। तो भाई आपको DRL दिखा देता हूँ, ये इसकी DRLs हैं, और अभी मतलब ये जैसे वीडियो में जब 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 हो रही है असली में नहीं होती, असली में सिंगल लाइन में आती हैं। ये इसके इंडिकेटर हैं भाई, और ये फॉग लैंप है जो कि अभी नहीं जला रखी है, जला के दिखा दूंगा मैं। इस तरफ भी सेम सेटअप है, और जब मैंने ऑन कर रखी है गाड़ी तो पीछे से भी इसकी लाइट जलने लग जाती है, जो कि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक LED वाली है, ठीक है। अब इस वाले वेरिएंट से जो शुरू होता है लिमिटेड से, लिमिटेड के ऊपर जितने भी हैं उसमें आ जाता है भाई इलेक्ट्रिक टेल गेट, चाहे तो आप हाथ से खोल सकते हो इसको, ठीक है, या फिर मैं आपको दिखाऊं, या फिर आप चाबी से खोल सकते हो, कुछ ऐसी इसकी चाबी है, 2 बार दबाओगे या तो बंद हो जाएगा या खुल जाएगा, जो भी मतलब आपको करना है, या फिर आप यहाँ से खोल बंद कर सकते हो इसको, या फिर आगे एक स्विच है जिससे खोल या बंद कर सकते हो आप। तो अभी चाबी से करके दिखाता हूँ, 2 बार दबाई मैंने, 3 बार बोलेगी, और अगर इसके बीच में कोई आ भी जाता है जैसे मैंने हाथ हटा दिया तो थोड़ा सा ये फोर्स लगा के अपने आप वापस खुल जाती है, बंद कर देते हैं इसको दोबारा। तो अभी तो एक कवर डाल रखा है अंदर, और जो स्पेयर टायर है वो 16 इंच का आता है इसमें, जो कि मतलब थोड़े टाइम के लिए चलाने के लिए अगर किसी का पंचर, ये लॉक हो गई गाड़ी।
अब लिमिटेड और लिमिटेड 80th एनिवर्सरी में और क्या फ़र्क है जिसमें वो 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं? ये ड्यूल टोन में आ रही है ये वाली गाड़ी, ऊपर से पूरी छत ब्लैक है। सनरूफ तो लिमिटेड से शुरू हो जाती है, पर इसमें मतलब छत भी ऊपर से, मतलब ये ड्यूल टोन वाला सिस्टम है। एस मॉडल में भी ड्यूल टोन आता है। तो मैं थोड़ा अंदर दिखा देता हूँ भाई, बाहर से बहुत हो गया। ठीक है, तो अनलॉक करने के लिए आपके 3-4 तरीके हैं। या तो चाबी को दबा दो तो ये अनलॉक हो जाएगी, आवाज़ नहीं करती कुछ भी। लॉक कर देता हूँ तो आवाज़ करती है एक बार पोंक करके। फिर मैंने डाल ली चाबी भाई जेब में, और एक आता रिक्वेस्ट हैंड, मतलब मैंने बस हाथ डाला और ये अनलॉक हो चुकी है गाड़ी अब। ठीक है, अब मैं लॉक करने के लिए दोबारा इसको दबा दूंगा तो लॉक हो गई। अब इसको दबा के अब अनलॉक नहीं होती यार, ये भी नहीं पता था मेरे को। तो ये चाबी से भी शायद अनलॉक हो जाती है, जो इस चाबी के अंदर एक मतलब मैनुअल की भी आती है, अगर आप इसको दबा के निकालोगे तो ये मैनुअल की भी निकल जाती है। ठीक है, वो तो आपको सबको पता ही होगा। तो भाई अब इसके चलते हैं अंदर। लॉक कर दी रिक्वेस्ट सेंसर से, अनलॉक हो गई भाई गाड़ी। चलो अब ये जो पहले टोंटो टोंटो बंद कर दें इसकी। भाई पूरा जो इंटीरियर है जीप ने, नई वाली जीप में बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो पहले तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट ऐड कर दी, थोड़ी गंदी हो रखी है गाड़ी, इलेक्ट्रिक सीट ऐड कर दी यहाँ पे भाई। 8-way एडजस्टेबल सीट है। ठीक है, और ये आपका लंबर सपोर्ट के लिए, लंबर सपोर्ट मतलब ऐसे दिखेगा नहीं, यहाँ से करोगे तो यहाँ से कुछ सपोर्ट सा आता है। फिर ये सीट के लिए भाई, इससे ज़्यादा दरवाज़ा खुलेगा नहीं, यहाँ बैठ जाता हूँ। सीट्स के लिए भाई मेमोरी फंक्शन, 1 दबाओगे तो मतलब, जिसमें करके दिखाता हूँ, जैसे भाई 2 दबाया मैंने, सीट अपने आप सेट हो जाएगी। 2 मेरे फादर की पोजीशन है, मतलब जो जिस पोजीशन पे वो चलाते हैं। 1 मैंने अपने लिए सेट कर रखी है, तो ये उसी हिसाब से सेट हो जाएगी गाड़ी। तो अब आ गए अंदर, पहले पार्किंग लाइट्स बंद कर देते हैं, आपको दिखाने के लिए जलाई थी मैंने। तो अब इसको ऑन करने के लिए भाई बटन है, सब लोग ये वाला बटन दबा रहे थे, जिसको भी मैंने चलाने के लिए दी अपने दोस्तों को, सब ये वाला बटन दबा रहे थे। उनको लगा ये है पुश स्टार्ट स्टॉप, पर बटन है यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का। ठीक है, एक बार दबाओगे तो देखो शीशे खुल गए दोनों खुद ही, अनलॉक होने भी नहीं खुलते, गाड़ी ऐसे स्टार्ट करोगे तब खुलेंगे। अबे टों क्यों बोल रहा है, हाँ बंद हो गया, चलो ठीक है। अब एसी का बंद कर देते हैं भाई, थोड़ा स्लो हो जा। ठीक है, अब एक बार क्लच दबा के आप इसको करोगे तो ये स्टार्ट हो गई भाई, बहुत ही स्मूथ स्टेयरिंग जितना मेरे को लगा भाई। ब्रेजा चलाने के बाद तो मेरे को ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है। थोड़ा पीछे कर लूँ अपनी सीट तो आपको ज़्यादा एंगल मिल जाएगा देखने के लिए। ये हो गई भाई सीट पूरी पीछे, अब आपको सब दिख रहा होगा। इस साइड क्या है, इस साइड तो कुछ नहीं भाई, ये लॉक अनलॉक का सिस्टम है। ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया। ठीक है, ये ऑटो अप डाउन, 1 टच अप डाउन आगे वाली दोनों है, 1 टच डाउन पीछे वाली है, अप खुद ही करनी पड़ेगी आपको, मतलब पूरा दबा के रखना पड़ेगा ये पीछे की विंडो लॉक करने के लिए, ये लॉक अनलॉक के लिए। ठीक है, ये आपके ORVM सेट करने के लिए, राइट पे सेट करके इसको ऐसे देखो हिल रहा है ना, ये है। ये तो नॉर्मल से सब गाड़ियों में आ रहे हैं। ये क्या है भाई, ये आपके हेडलाइट कंट्रोल है, इससे जलाओगे आपके DRL जल जाएंगे, इससे आपकी हेडलाइट जल जाएंगी। ऑटो पे भी कर सकते हो, अब गाड़ी खुद पता कर लेगी कि रात हो रही है, दिन हो रहा है, क्या हो रहा है। ये है फॉग लैंप के लिए, ये अभी नहीं जलेगा, जैसे मैंने अब यहाँ पे देखो इंडिकेशन कोई नहीं आ रहा होगा, इस बटन को दबाऊंगा तो आगे के फॉग लैंप जल गए। आपको कि ये किस लिए है, ये है पीछे के फॉग लैंप के लिए, पीछे भी सबसे नीचे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे लाइट थी। इसको ऑटो पे कर दूंगा तो दोनों सब कुछ ये अपने आप ऑटो पे कर देगा, तो मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं दिखाएगा कि ये भाई क्या चल रहा है, कहेगा मैं खुद ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ है ये वाला स्क्रीन छेड़ने के लिए कंट्रोल्स, आपको दिख रहा होगा, देखो माइल्स पर आवर में भी स्पीड कर सकते हो आप, खैर उसका करना मत कभी। व्हीकल इन्फो दिखा देगा, टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड, ये होता है एड ब्लू जो आपको डालना पड़ता है 2000 cc के ऊपर गाड़ियों में, जो नए रूल्स आए BS6 के। फिर आ जाती है फ्यूल इकोनॉमी, 15.9 16-15 के अराउंड ये एवरेज दे रहा है, दे रही है गाड़ी, ये मैंने ट्रिप कर दी थी। ठीक है, ये सब तो है इसके लिए, कॉल डिस्कनेक्ट कनेक्ट, और इस तरफ कोई बटन नहीं है भाई। म्यूजिक सिस्टम कहाँ से कंट्रोल करोगे भाई, ये तो छोटी छोटी गाड़ियों में आ रहा है। म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बटन है यहाँ पे, ये हैं आपके बटन म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन, ये म्यूट का। ठीक है, अब आपको गाना चेंज करने के लिए, गाना चेंज करने के लिए इस तरफ बटन है भाई। देखो लगता तो हैंडल इनकी वजह से बहुत बुरा है कि मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली दे दिया यहाँ पे, या तो प्ले नहीं कर देते इसको। यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल दे रही है जीप, तो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल यहाँ पे दे दिए इन्होंने। वैसे लगते तो मतलब जो चला रहा है उसको तो मतलब, देखो मैं कर रहा हूँ ना, उसको तो मतलब बहुत मस्त लगते हैं, पर देखने वाले को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं भाई यहाँ पे, यहाँ पे आपका पूरा म्यूजिक सिस्टम जिस पे हाथ लग लग गया, अब ये गंदा हो चुका है,
तो अभी तो मेरे को उसको पूरा यूज़ करना आता भी नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ है इसमें, जो एप्पल प्ले वगैरह होता है, ये आपका एसी के कंट्रोल्स हो गए जहाँ हवा करनी है आपको, ठीक है आगे कर लेते हैं। ये आपका आ गया ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भाई, या तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो आप। मतलब इस तरफ वाले बंदे को अगर चाहिए भाई मेरे को 25 डिग्री का टेम्परेचर, खैर ये मेरे को यूज़लेस ही फीचर लगता है, तो उस तरफ अब गर्म हवा आएगी और इस तरफ मेरी तरफ ठंडी हवा आएगी, तो दो जोन का क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ से पूरा आपके एसी कंट्रोल्स हैं, बस ये स्क्रीन ऑफ का है तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, दोबारा दबा दोगे तो ऑन हो जाएगी। म्यूट का कंट्रोल है वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए यहाँ पे, अगर ड्राइवर को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर ये ट्यून के इसमें शायद वो आते हैं, इसमें बेस वगैरह एडजस्ट करने के लिए है ये बटन। फिर आपका ये है फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने बड़े बड़ी तेज़ हो जाती है स्पीड घटाने के लिए, और ये ऑफ करने के लिए, क्लाइमेट ऑफ हो जाएगा ठीक है। ये मैक्स एसी मतलब फुल पे करके अपना जितना भी मतलब जिसमें जितनी पावर होगी ये एसी उस हिसाब से चलेगा इसको। हाँ भाई मैक्स पे नहीं चाहिए भाई हमको, 2 पे ठीक है। ठीक है 80th एनिवर्सरी में ये भी एक बड़ा मेरे को मस्ती चीज़ लगती है, ये बैजिंग सिर्फ 80th एनिवर्सरी वाले मॉडल में आ रही है। और ये जो भाई एसी के वेंट्स का डिज़ाइन है, मतलब यहाँ से पूरा ऐसे आते हुए पूरा ये स्लीक सा आ जाता है, मतलब पता भी नहीं चलते कि एसी वेंट्स कहाँ पे हैं। कई लोगों ने तो मेरे से कहा पूरे ही एसी वेंट्स हैं, पर सिर्फ वहीं पर एसी वेंट, तो ये बड़ा मतलब बहुत मस्त लगता है भाई। गाड़ी में 6 एयरबैग्स हैं, और मैं आपको बता रहा था डिग्गी यहाँ से भी खुल जाती है, तो इस बटन को दबाओगे तो देखो खुलनी शुरू होगी, दोबारा दबा दूंगा एकदम से तो बंद भी हो जाएगी, वो हो गई पीछे लॉक। ये है बटन आपकी ये लाइट कंट्रोल करने के लिए, खैर इसको व्हाइट लाइट दे देती जीप तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर जीप ओल्ड स्कूल ही रहना पसंद करती है पता नहीं क्यों। ये दरवाजे के साथ खुलने के लिए, अभी दरवाज़ा खुल जाएगा तो ये लाइट जल जाएंगी, जल गई बंद हो जाएंगी थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी, है फिर ये पूरी सारी यहाँ पे लाइट जलाने के लिए। और ये आते हैं भाई मेन जो लिमिटेड वेरिएंट के बाद ही मिलने शुरू होते हैं, वो है सनरूफ। तो ये है, एक बार दबाओगे तो आपकी ये खुल गई भाई सनरूफ, आधी खुल जाएगी, एक बार और दबा दो, वन टच है, ये आपकी खुल गई पूरी सनरूफ, अभी तो बहुत गंदी हो रखी है ऊपर से। फिर आप ये वाला तीसरा बटन किस चीज़ के लिए, इसको दबाओगे, देखो मैं दबाऊंगा तो पीछे से थोड़ा सा उठा लेगा अपने आप को कि भाई थोड़ी हवा आर पार हो जाए, और मतलब बंदों को परेशानी भी ना, थोड़ी सी आर पार हो जाए ना। अब मैं दबाऊंगा इसको, एक बार बंद करा ना, ये तो खोलने के लिए अच्छा, ये वन टच हो गया, देख लेना भाई कितनी खुलती है, मेरे हिसाब से तो एनफ खुल जाती है, इतनी खुलेगी फिर एक बार और दबाना पड़ेगा, तो ये पूरी खुल गई। अब इसको बंद करने के लिए भाई हम इस बटन को दबा देंगे बस, ये यहाँ तक आ जाएगी सन ब्लाइंड, अब एक बार और दबाना पड़ेगा तो ये समझ जाएगा, अगर सन ब्लाइंड क्लोज करनी है तो मेरे को सनरूफ भी क्लोज करनी है, तो सनरूफ को खुद ही क्लोज कर देगा, कर दिया अब ये सन ब्लाइंड भी बंद कर देगा भाई। तो और ये इसमें आ जाता है भाई इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, जैसे अभी तो लगा हुआ है, ब्रेक दबा के मैं इस पार्किंग ब्रेक को नीचे कर दिया, हट गया पार्किंग ब्रेक ठीक है, आगे पीछे तो नहीं जा रही गाड़ी, नहीं जा रही। तो मान लो मैंने भाई, मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, मैं हैंड ब्रेक खींचना भूल गया ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑफ करूंगा गाड़ी, अब आप देखना अपने आप लग गया पार्किंग ब्रेक ठीक है। ये तो मैंने अभी अभी लगवा के आया हूँ भाई, मतलब लेके आया हूँ, थोड़ा थोड़ी गाड़ी में खुशबू सी हो जाएगी, वैसे तो नई गाड़ी खुशबू होती है, पर ठीक है पड़ा रहेगा अपना, एक बार और स्टार्ट कर देता हूँ भाई। फिर आता है पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, आप यहाँ से कर सकते हो पैसेंजर एयरबैग, ये बटन नहीं है कोई, आपको यहाँ से करना पड़ेगा ऑन या ऑफ। ये पार्किंग सेंसर ऑफ करने के लिए, यहाँ पे भी बता देगा आपके पार्किंग सेंसर ऑन है ऑफ। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने के लिए, ऑफ कर दिया मैंने अब ठीक है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, इस बटन का मतलब ये अभी ऑफ चल रहा है अब, अरे दब जा ऑफ ठीक है। ये है ऑटो ऑन ऑफ, अगर आपने गाड़ी रेड लाइट पे रोक दी तो गाड़ी खुद मतलब स्टैंड बाय मोड पे चली जाएगी, जैसे आप क्लच दबाओ के गियर लगाओगे जी वो अपने आप चालू हो जाएगी, बस ये है इसका। ये सिंक का मतलब है दोनों के एसी, मतलब 16 पे ये वाला एसी है तो 16 पे वो वाला एसी हो जाएगा, ये आपका सारा फोन से कनेक्शन, फिर आपका पूरा मैप वगैरह आ जाता है इसमें, जो मतलब ये तो नॉर्मल है, पर ये देखने में बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रीमियम लगता है भाई। अब मैं आ गया हूँ पीछे, पीछे से देखो भाई, ये मतलब जो ये एक्स्ट्रा दे रखा है ना, ये आपके थाई सपोर्ट के लिए, ये लगता है सीट कम है ये वाली, पर ये वाली एक्स्ट्रा दे रखी है आपके थाई सपोर्ट के लिए। पीछे कुछ नहीं भाई, एसी वेंट्स आ जाते हैं, एक चार्जिंग का सॉकेट है, नीचे 12 वॉट डीसी वाला सॉकेट है, और इससे आप हवा कम या ज़्यादा, ये बंदी हो गई, हवा कम ज़्यादा इससे कर सकते हो भाई ठीक है। फिर आपका ये आ जाता है एक
बहुत स्टडी सा लगता है भाई मेरे को तो। अब जीप ने बनाया तो सही होगा। ठीक है, और कुछ नहीं भाई, पीछे यहाँ पे ये सीट फोल्ड हो जाती है जैसे नॉर्मल गाड़ी में होती है। पावर विंडो का स्विच है और ये अपना पर्सनल लॉक या अनलॉक का स्विच है। और यहाँ पे भी एक लाइट लाइट है, वाइट दे देते तो मज़ा ही आ जाता, वही मैंने कहा है, पर ठीक है। यहाँ पे आप कोट हुक भी दे रखा है, नहीं यूज़ करना तो। पीछे तक आ जाती है पूरी सनरूफ, अगर आपको दिखाऊं तो। मैं देखो यहाँ तक आ गई है सनरूफ, थोड़ा हेडरूम कम हो जाता है सनरूफ जिस जिस मॉडल में आ रहा है, पर ठीक है। अपना आगे से देखो ऐसा लगता है ये। भाई मेरे को लग रहा है यार कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, तो अगर आप चाहते हो मतलब इसका कोई ड्राइव रिव्यू, जो भी मतलब कैसी चलने में गाड़ी है, क्या मेरे को खामियां वामियां लगी इसके बारे में, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊं तो बता देना। वरना ये थी भाई, हमने नई गाड़ी ली है और ज़्यादातर लोग तो यही पूछते हैं कि भाई पापा के पैसों से लिया है, खुद के पैसों से लिया है। तो भाई मैं इस आंसर को ना ही करना पसंद करूँगा, क्योंकि दोनों साइड में ही भाई यही होगा कि अपने पैसों कह दोगे तो भाई अपनी फेंका फाकी कर रहा है, पापा के पैसे ले ली तो पापा के पैसे में मजे कर रहा है। तो भाई मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। अपना ड्राइव रिव्यू चाहिए हो तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में, इसको किस दिन ले चलेंगे। वैसे तो 1161 किलोमीटर चल चुकी है ये, कुछ नहीं हाईवे हाईवे पे चली है, ऐसा तो कहीं हम लेके नहीं गए इसको अभी तक। एक बार भाई के कॉलेज तक गए थे, एक बार मेरे कॉलेज तक गए थे, एक बार लोकल में यहीं कहीं तक गए थे बस अभी तक। और जो भी है यही है भाई, यही हमने नई गाड़ी ली है। जीप कंपस ये लगा दिया था, मैकडी का वीआईपी वाला, इसमें कुछ फ्री मिल जाता है अगर 200-250 की खरीद करो तो मैकडी से, जब भी जिस भी गाड़ी पे ड्राइव थ्रू से जाते हो ये लगाओ तो। तो इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई हमने एस मॉडल टॉप मॉडल क्यों नहीं लिया जब इतने पैसे खर्च कर दिए थे। और हाँ, जो भी पूछ रहे हैं प्राइस कितना, भाई ऑनलाइन जाके आप देख सकते हो, मैं वीडियो में प्राइस बताना सही नहीं समझता। तो भाई एस मॉडल इसने लिया क्योंकि एस मॉडल इस वाले मॉडल से अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपये महंगा था, और मतलब लेने का मन तो था पर मेरे को इतना वर्थ नहीं लग रहा था कि 30 लाख में इस गाड़ी पे खर्च करूं। वरना लेना तो भाई अगर किसी के पास खुला पैसा है तो वो ले सकता है। एस मॉडल में क्या है, ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना भाई, ये पूरा डिजिटल है। इस वाले में सिर्फ जो अपना ये आगे ये 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर आता है, ठीक है। और एस मॉडल में क्या है, एस मॉडल में और क्या है भाई, हाँ जो एस मॉडल में है भाई, ये जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं, जो कि आप कंट्रोल अपने इससे कर सकते हो, कोई यहाँ पे बटन नहीं दिया होता, सीट्स वेंटिलेटेड है। इसके जो हेडलाइट हैं, पता नहीं इसके कौन से वाले, इसके बहुत मस्त लगते हैं, पर उसमें और अच्छे वाले हेड लैम्प्स हैं। और एक दो चीज़ें हो रहे हैं यार एस मॉडल में, हाँ एस मॉडल इसमें 6 स्पीकर एल्पाइन सिस्टम है। एल्पाइन की बैजिंग नहीं है कहीं पे भी, पर उन्होंने बताया कि एल्पाइन सिस्टम है और जीप कहता भी एल्पाइन सिस्टम है, पर उस वाले में 9 स्पीकर और 2 सबवूफर के साथ एल्पाइन सिस्टम है और एल्पाइन की बैजिंग भी है। एक सबवूफर शायद उनका यहाँ पे लगता होगा और एक डिग्गी में, वो बता रहे थे लगता है। और टायर प्रेशर मॉनिटर नहीं है इस वाली गाड़ी में, जो कि एस मॉडल में आता है। और 360 डिग्री कैमरा नहीं है इस वाले मॉडल में, जो कि एस मॉडल में आता है। खैर मैं तो पीछे वाला पार्किंग, वो जो बैक करने वाला कैमरा, वो भी कभी कभार यूज़ करता हूँ, मतलब दिखता जैसे ही बैक गियर लगाओगे भाई, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, आ तो जाता ही है वो, पर मैं मतलब इसके भरोसे कभी बैक नहीं करी मैंने भाई, अपने दो जो शीशे होते हैं साइड वाले उन्हीं के भरोसे बैक करता हूँ मैं तो। और ये वाले डीजल वेरियंट है, अगर आप पेट्रोल लेते हो स्पोर्ट मॉडल के अलावा तो उसमें ऑटोमेटिक आती है सारी गाड़ी, तो ऑटोमेटिक में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता, पर उसके लिए वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब 30-40 दिन कह रहे थे, तो मैंने कहा छोड़ो यार डीजल ही ले लो। और मेरे को लग रहा है डीजल लेना मतलब सही भी निर्णय था, क्योंकि डीजल दे रही है भाई 15 की एवरेज, तो पेट्रोल तो भाई मेरे हिसाब से 10 के करीब देती है। और ये 15-16 की एवरेज इसने हाईवे पे दी है हमको, मतलब ये लगभग हाईवे पे चली है गाड़ी, जब जाके 16 की एवरेज दिया, तो मतलब एवरेज में तो है ही भाई अभी 2000 cc का इंजन, तो इसलिए हमने मॉडल एस नहीं लिया, अगर आप मतलब जानना चाहते हो तो। और सारे सब फीचर सेम है मॉडल एस में, पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है, इसमें भी पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है। और जो इससे नीचे वाला मॉडल है, लिमिटेड मॉडल है, उसमें ये टैन कलर का आ जाता है और सीट्स बीज कलर की आ जाती हैं, तो उसलिए भी हमने नहीं लिया क्योंकि गंदा बहुत हो जाता है, तो यही रीज़न थे बस, और तो कुछ नहीं है। मम्मी साफ कर रही थी गाड़ी, तो इसके वाइपर और दिखाऊँ, मेरे को बहुत शानदार लगे भाई इनका स्प्रे देखना, देखो मतलब बारिश सी कर देते हैं बिल्कुल। रेन सेंसिंग वाइपर, खैर वो तो यूजलेस फीचर है, पर ये देखो बारिश सी कर देते हैं, 3-4 बार मारते हैं उसको।